हेलो फ्रेंड आज हम बिजनेस स्टडी का टॉपिक करेंगे जिसमें हम डिफरेंस करेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन ये क्या होता है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्री टाइप्स होती हैं बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट उसमें से हम दो चीज़ों का डिफरेंस करेंगे पहले बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस में क्या होता है प्रोडक्शन होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज कि मतलब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और सर्विस डिस्ट्रीब्यूट की जाती है प्रोफेशन प्रोवाइड स्पेशलाइज सर्विस टू द क्लाइंट्स कि स्पेशलाइज सर्विस की जाती है जैसे कोई डॉक्टर है वो किसी भी पेशेंट का इलाज करेगा जो पेशेंट है वो उसका क्लाइंट है ऐसे ही क्वालिफिकेशन नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ फिक्स्ड फॉर अ बिजनेसमैन जो बिज़नेस में होते हैं कोई क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है पर प्रोफेशन में डिग्री ज़रूरी है प्रोफेशन प्रोफेशनल डिग्री इज़ मस्ट फॉर एंटरिंग अ प्रोफेशन जो प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए उस प्रोफेशन में एंटर करने के लिए एथिक्स देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इसमें कोई फास्ट या मतलब सख्त रूल नहीं होते कोई भी कि उस रूल्स के मुताबिक चलना है पर प्रोफेशन में अ कोड ऑफ़ कंडक्ट इज़ बी रिजिडी फॉलोड बाय प्रोफेशनल और प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है ये एक तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इनको फॉलो करने बहुत ज़रूरी होते हैं सोशल सर्विस अ बिज़नेस मैन इंटेंड्स टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट्स एंड इज नॉट पर्टिकुलर अबाउट सोशल सर्विस जो ये बिजनेस मैन होता है वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए करता है ये एक्टिविटी और जो प्रोफेशन होता है प्रोफेशनल आर पर्टिकुलर अबाउट सोशल सर्विस दे ट्राई टू हेल्प पीपल इवन एट द कोस्ट ऑफ द फ़ी जो ये प्रोफेशनल होते हैं ये सोशल सर्विस भी करते हैं कि मतलब डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को बचाएगा ये उसकी सोशल सर्विस हो गई और वो अपनी फी भी चार्ज करेगा ऐसे ही मेजरमेंट ऑफ़ एफिशिएंसी मेन क्रिटेरिया ऑफ जज एफिशिएंसी इज़ टू सी प्रॉफिटेबिलिटी इसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो जज किया जाता है ना कि ये ज़रूरी नहीं होता है एफिशियंसी इज़ मेजर्ड बाय द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड जो प्रोफेशन में होता है उसमें क्वालिटी डिपेंड करती है कि डॉक्टर कितना अच्छा है अच्छा डॉक्टर होगा तो वह डेवलप करेगा उसके पास और पेशेंट आएंगे अच्छा नहीं होगा तो उसे लॉस होगा क्योंकि पेशेंट ही नहीं आएंगे उसके पास ऐसे ही एलिमेंट ऑफ रिस्क रिस्क एलिमेंट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन बिजनेस जो रिस्क होता है वो बिज़नेस में होता ही है और प्रोफेशन में नेगलिबल इन प्रोफेशन कोई ज़रूरी नहीं है इसमें कोई रिस्क हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता ऐसे ही बिज़नेस में बिज़नेस नीड नॉट बी द मेंबर ऑफ एसोसिएशन इसे किसी भी ज़रूरत नहीं होती कि यह मेंबर हो उस एसोसिएशन का लेकिन प्रोफेशनल्स हैव टू बी मेंबर ऑफ दोज एसोसिएशन विच हैव अलॉट देम टू एंटर दोज प्रोफेशन पर जो प्रोफेशनल प्रोफेशन profession में क्या होता है इन एक्टिविटीज़ में प्रोफेशनल्स होते हैं वो मेंबर ऑफ द एसोसिएशन होने चाहिए कि मतलब उनके पास कोई डिग्री होनी चाहिए उस प्रोफेशन में एंटर करने के लिए नेचर बिजनेस एक्टिविटीज़ आर प्राइमरी फ़िज़िकल इन नेचर बट प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ आर मेनली मेंटल इन नेचर एडवर्टाइजमेंट बिजनेस नीड लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर इट्स सक्सेस जो बिज़नेस होता है उसे सक्सेस की ज़रूरत के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोफेशन इज़ प्रोहिबिटेड बाय प्रोफेशनल बॉडीज जो एडवरटाइज प्रोफेशनल होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते उन्हें मना किया होता है उस एसोसिएशन के द्वारा प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा रिसोर्स बिजनेस रिक्वायर्स लॉट ऑफ फंड्स फॉर इट्स सक्सेस जो बिजनेस होता है उसे बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए द कॉम्पिटेंस ऑफ पर्सन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द रिसोर्स उस पर्सन की क्षमता है जो वो ज़रूरी होती है उसके रिसोर्सेज की बजाय थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो